कितने आपने जो वायदा किया था उसके तो आसपास भी नहीं। वो जो उस दौरान जो दिल्ली में जो दुकानें नहीं खुली, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खुले, छोटे छोटे व्यापारियों की लघु उद्योग इकाइयां बंद रही, आपने कैसे दिल्ली की बिजली कंपनियों को छूट दी कि फिक्स चार्ज लिए जाएं? कांग्रेस ने पहले भी कहा था और आज भी कह रही है कि सबसे जो टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है, ये आधारभूत ढांचा है हमारा दिल्ली का, इससे रोजगार पैदा होता है। आपने इन व्यापारियों की कमर तोड़ दी, इनको बेल आउट पैकेज देना चाहिए था। किस तरह से आपने, जिस तरह से जीएसटी को गलत तरीके से लागू हुआ, नोटबंदी हुई, और अब सबसे ज़्यादा अगर किसी एक शहर ने कोविड को झेला है, इस महामारी के दौरान अपनों को खोया है, लोगों को व्यापार पूरी तरह ठप हो गए, आपने क्यों फिक्स चार्ज लेने दिया कंपनियों को? हमने कहा था कि वेव ऑफ होना चाहिए इस पीरियड का फिक्स चार्ज, आपने लेने दिया, तो क्या उसके पीछे क्या मंशा है सरकार की? दिल्ली का व्यापार, उतना बड़ा व्यापारी दिल्ली में काम कारोबारी नहीं है, लेकिन आपने उनको और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। हम पूछना चाहते हैं, जब आप सत्ता में नहीं आए थे तो आपका एक प्रमुख मुद्दा था यमुना नदी की सफाई। यमुना नदी की सफाई, वो इतना के साथ हम आएंगे तो यमुना आपको स्वच्छ मिलेगी। हम कहना चाहते यमुना पहले से ज़्यादा गंदी हुई। 2% जो स्ट्रेच है यमुना का दिल्ली के अंदर जो पड़ता है, उसमें 70% गंदगी है। अब जब पूछा तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे दिल्ली में तो कि 2-3 साल में हम ऐसा कर देंगे, मैं खुद डुबकी लगा के दिखाऊंगा यमुना में। आप तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख डाल रहे हैं श्रीमान जी। आपको ये बताना चाहिए था, आपने तो कहा था 2021 तक केंद्र की सरकार भी बड़े स्वच्छता के दावे दिल्ली में कर रही थी, आपने भी करोड़ों करोड़ रुपए दिल्ली की यमुना की सफाई पे कर दिया। जब पॉल्यूशन के हालात देख रहे थे उसी समय दिल्ली की यमुना भी पानी की जगह झाग निकाल रही थी। जब श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ जब हमारे लोग डुबकी लगाना चाहते थे छठ मैया के पर्व पर, दिल्ली के पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रह रहे थे, तो उन्हें कैसा पानी आपने दिया? उस समय जमुना तो झाग फेंक रही। तो ये आपकी हकीकत है कि कितनी दिल्ली आपने साफ की है। आपने 2015 के मैनिफेस्टो में आप बड़ा अपने एजुकेशन मॉडल को बड़ा प्रभावी बताते हैं, अलग अलग प्रांतों में जाके 500 नए स्कूल खोलने की बात की थी। 2019 की आरटीआई ये कहती है, हम नहीं कह रहे, आरटीआई से आप जवाब ले लीजिए कि सिर्फ एक नए स्कूल को आपने बनाया, बापटोला के स्कूल को आपने बनाया, बाकी आपने रेनोवेशन की है, कुछ 20-22 स्कूलों को आपने मॉडल के रूप में रेनोवेट कर दिया और उनको ले जाके बार बार उनका प्रचार प्रसार करते हैं। अगर आपने एजुकेशन का स्तर बढ़ाया, अच्छा करा होता, आपने टीचर्स को कॉन्फिडेंस में लिया होता, ना तो आपके पास शिक्षक है सरकारी स्कूल में, ना आपके पास वाइस प्रिंसिपल है, ना प्रिंसिपल है, तो वहाँ डिसिप्लिन कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभलेगा? 900 कुछ प्रिंसिपल्स के पद खाली हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, और दिल्ली सरकार अपने मॉडल, शिक्षा मॉडल का बखान कर रही है। दिल्ली सरकार अपने शिक्षा मॉडल को श्रेष्ठ बता रही है देश में, जहां एक लाख 29 हजार छात्र ड्रॉप आउट करते हैं सरकारी स्कूल से, और उसी पीरियड में, इनके पीरियड में 3.25 लाख लोग बच्चे बढ़ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में। हम तो कहना चाहते हैं, आप क्या प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों के साथ मिले हुए हैं? आप माफिया के साथ मिले हुए? आप तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में एजुकेशन का, शिक्षा का स्तर इतना सुधार दिया, ये तो हालात आप, और शिक्षकों से पूछिए, वहाँ पदों की कमी है, रिक्तता है, आप उनको भर नहीं पा रहे, तो फिर आपके, आपका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैसे अच्छा हुआ? आपके रिजल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं, आपके स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में बच्चे
का ड्रॉप रेट बढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने शिक्षा का वर्ल्ड क्लास स्तर का शिक्षा मॉडल दिया है।